ईडी सीबीआई को लेकर देश की राजनीति में अक्सर घमासान मचा रहता है। विपक्ष आरोप लगाता है कि देश की जांच एजेंसियां सरकार के प्रभाव में हैं और वो सरकार के इशारों पर काम करती हैं। मतलब सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो विपक्ष का मानना है कि जांच एजेंसियां मोदी के इशारे पर काम करती हैं। लेकिन तब क्या हो जब हाईकोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट बेतुका बता दे? क्या जांच एजेंसियां मर्डर जैसे मामले में भी जांच नहीं कर सकती और ऐसे मामलों में आरोपी को हाईकोर्ट का संरक्षण मिल जाता है और मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी पड़े? मामला तेलंगाना का है और मामले में सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगानी पड़ी। क्या है पूरा मामला बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दरअसल मामला है वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या का, जिनकी 2019 में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और इसमें आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई से पूछताछ होनी थी। सीबीआई को ये पूछताछ करनी थी लेकिन सीबीआई को पूछताछ नहीं करने दी गई। ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लताड़ लगाते हुए क्यों कहा कि अगर ऐसा है तो फिर सीबीआई पर ताला लगा दीजिए। दरअसल सीबीआई इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी से पूछताछ करना चाहती थी लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई के हाथ बांध दिए। लेकिन 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच हाईकोर्ट के इस फैसले पर इतनी नाराज हुई कि यहां तक कह दिया अगर यही हालात हैं तो फिर सीबीआई की आखिर जरूरत क्या है, जांच एजेंसी पर ताला लगा देना चाहिए। दरअसल हाईकोर्ट में सीबीआई को निर्देश दिया गया था कि वाईएस अविनाश रेड्डी से पूछताछ से पहले उन्हें सारे सवाल लिखित में देने होंगे और साथ ही पूछताछ की रिकॉर्डिंग भी करनी होगी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का ऐसा फैसला आपराधिक न्याय शास्त्र के पुनर्लेखन जैसा है। हाईकोर्ट का आदेश देखकर सीजीआई बेहद ही नाराज नजर आए और उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए बेहद ही तीखी टिप्पणी की। अगर जांच का स्टैंडर्ड है तो सीबीआई को बंद कर देना चाहिए। सोचिए अगर दूसरे आरोपी भी यही उदाहरण देने लगे तो क्या होगा, पहले अग्रिम जमानत और फिर सीबीआई से क्वेश्चनियर मांगना। ये तो ऐसा है जैसे आपराधिक न्याय शास्त्र का पुनर्लेखन किया जा रहा है। हो सकता है सीबीआई आपको गिरफ्तार करे या ना करे लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। अगर यही बेंचमार्क है तो सीबीआई और ईडी की हर जांच में लिखित क्वेश्चनियर होना चाहिए, फिर हमें सीबीआई की जरूरत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि हमारा मानना है कि हाई कोर्ट ने खुद को गलत तरीके से पेश करते हुए असाधारण आदेश पारित किया है। इस तरह के आदेश जांच को प्रभावित करते हैं, खासकर ऐसी परिस्थिति में जब सीबीआई ये पता लगा रही है कि अभियुक्तों की भूमिका क्या है। हाईकोर्ट का ऐसा निर्देश बिल्कुल अनुचित था, सीजीआई चंद्रचूड़ का आगे कहना था। हाईकोर्ट का आदेश देखकर हम वास्तव में परेशान थे, अगर सीबीआई को गिरफ्तार करना होता तो पहले कर लेती लेकिन एजेंसी बहुत सावधानी से कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, इससे पिछली सुनवाई पर भी सीजीआई ने कहा था कि हाईकोर्ट का ये फैसला कतई स्वीकार करने लायक नहीं है। अब आपको एक बार पूरा मामला बता दूं, वाईएस अविनाश रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई हैं, उनके खिलाफ विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस में जांच चल रही है। इसी मामले में उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अपनी अर्जी में कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले के चलते पूरी जांच पटरी से उतर गई। हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि हाईकोर्ट आखिर जांच एजेंसी को जांच करने से कैसे रोक सकता है? क्या ये भी सरकार का प्रभाव है? क्या जगन मोहन रेड्डी भाई को बचा रहे हैं? ये सवाल ऐसे में खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हाईकोर्ट का आदेश गलत था। यहाँ अगर मनीष सिसोदिया के केस को याद किया जाए तो कहा जाएगा सिसोदिया के साथ तो हत्या जैसा मामला नहीं था, सिसोदिया के साथ मामला था शराब घोटाले का। वो तो उस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी थे और उन्हें जब गिरफ्तार किया गया था उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो जवाब नहीं दे पाए और सीबीआई ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ जरूरी नहीं है कि गिरफ्तार ही किया जाए, केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई और सवालों के जवाब लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हो सकता था केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाता लेकिन नहीं किया गया। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते सुनिए मोदी का वो बयान जो उन्होंने सीबीआई के लिए दिया था। साथियों, एक समय था
जब सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू पास कराने के लिए भी जमकर के भ्रष्टाचार होता था। हमने केंद्रीय भर्तियों की ग्रुप सी ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म कर दिया। एक समय में यूरिया के भी घोटाले होते थे, हमने यूरिया में नीम कोटिंग कर इस पर भी लगाम लगा दी। डिफेंस लिंक्स में भी घोटाले आम थे। बीते 9 वर्षों में डिफेंस डील्स पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। अब तो हम भारत में ही अपनी जरूरत का रक्षा सामान बनाने पर बल दे रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को लेकर ऐसे अनेक कदम आप भी बता सकते हैं, मैं भी गिना सकता, लेकिन अतीत के हर अध्याय से हमें कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार से जुड़े मामले वर्षों तक खींचते चले जाते हैं। ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें एफआईआर होने के 10 साल बाद भी सजा की धाराओं पर चर्चा चलती रहती है। आज भी जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं वो कई कई साल पुराने हैं। जांच में देरी 2 तरीके से समस्या को जन्म देती है। एक तरफ भ्रष्टाचारी को सजा देर से मिलती है तो दूसरी तरफ निर्दोष परेशान होता रहता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को तेज बनाएं और भ्रष्टाचार में दोषी को सजा मिलने का रास्ता साफ हो पाए। हमें बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी करना होगा, जांच अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना होगा। और साथियों, आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो, बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसे संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी डील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है।